समस्या के लिए, आपके स्वागत के लिए मैं आपका ऋणी हूँ, आभारी हूँ। मैं आप अपने दो शब्द मेरी जनता जनार्दन, तहसील माता की जनता जनार्दन, छत्तीस बिरादरी के बीच मैं अपने विचार रखूंगा। भाइयों, सबसे पहले जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय बाबा डूंगरी वाले हनुमान जी की जय। जय हो मेरी तहसील की जनता माता की जय। रुक जाओ तो भाइयों, सबसे पहले मैं मेरे बहरोड़ विधानसभा की राज की धरती माता को और मेरे बहरोड़ विधानसभा की 36 बिरादरी की माताएं बहने, नौजवान युवा, किसान, बुजुर्गों को उनके चरणों में सादर प्रणाम वंदन करता हूँ। आपका भाई, आपका साथी, आपका बेटा एडवोकेट हेमंत शर्मा आपकी बहरोड़ विधानसभा से आपकी जनता जनार्दन पर हो रहे शोषण, हो रहे जनता जनार्दन पे अत्याचार के खिलाफ हो रही आवाज की जिम्मेदारी मेरे ऊपर दी गई है। पीपल्स ग्रीन पार्टी से ये जिम्मेदारी दी गई है। मैं सभी को मान सम्मान से इस जिम्मेदारी को मेरे सिर माथे पे लगा के और मैं जनता जनार्दन के लिए जान झोंक झोंक के रणभूमि में संघर्ष। आपकी अपनी पार्टी पीपल्स ग्रीन पार्टी जिसका चुनाव चिन्ह हांडी है, भाइयों ये हांडी नहीं सबसे हांडी है, बाकी सब ढांचा ढांडी है। जो जनता जनार्दन का, 36 बिरादरी का, मेरी माताओं बहनों का, मेरे नौजवान युवाओं का, मेरे किसान बुजुर्गों का, ये जो जन सैलाब आशीर्वाद के रूप में उमड़ रहा है, ये जन सैलाब नहीं, ये मेरे बहरोड़ विधानसभा के भावी विधायक हैं, मेरे बहरोड़ विधानसभा के बड़े बड़े ऑफिसर हैं, मेरे बहरोड़ विधानसभा के MP MLA और बड़े भाइयों, मैं इनके लिए, इनकी जिम्मेदारी के लिए रणभूमि में इसी प्रकार संघर्ष करूंगा। आज आप देख रहे हो आजादी को 75 साल हो गए, ये सभी पार्टियां BJP कांग्रेस फलाना ढिकड़ा अपनी पार्टी चमका रही है, अपना चेहरा चमका रही है, अपने घर को चमका रही है और जनता का शोषण कर रही है, नौजवान युवाओं को अपराध के मार्गों पे ले जा रही है, किसान बुजुर्गों का अधिकार खाया जा रहा है, माताओं बहनों पे आत्म सम्मान को ठेस पहुंचाई जा रही है। लेकिन भाइयों, अब मैं आपको वादा करता हूं, आपकी अपनी पार्टी की सरकार होने के बाद आप खुद विधायक होंगे, जनता जनार्दन विधायक है। मैंने तो फार्म भरने के बाद ही मेरे विधायक की ताकत जनता जनार्दन को दे दी है। अब जनता जो फैसले लेंगी मैं उस पर मोहर लगाऊंगा। और बड़े भाइयों, आप सभी शिक्षित हो, समझदार हो, आपको पता है 75 सालों से जनता जनार्दन का शोषण किया है, उस पर अत्याचार किया है। आप मेरे भाइयों, आप खुद जागरूक हो, आप सभी 25 तारीख को अपनी ताकत का प्रदर्शन करो और इन भ्रष्ट नेताओं का खात्मा करो, क्योंकि जनता जनार्दन ही सरकार बनाती है, जनता जनार्दन इन भ्रष्ट नेताओं का खात्मा करती है। इसलिए मैं मेरे सभी भाइयों से निवेदन करता हूँ कि आप 25 तारीख को अपनी ताकत का ऐलान करें और प्रदर्शन करें। आज आप देख रहे हो, आज आप देख रहे हो 75 साल हो गए, ये हर तरीके से काली कमाई कर रहे, बड़े बड़े नेता लग्जरी गाड़ियों में डोल रहे, काली काली संपत्तियां है, बड़े बड़े धंधों में इनमें लिप्त है। मेरे को बताओ, ये दादा लाई थोड़ी लाए थे, ये आप जनता का अधिकार था, ये माताओं बहनों का अधिकार था। सुन बाजे आज छोड़ रहे, लेकिन अब आपकी सरकार बनते इनसे एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा, इनकी सारी संपत्ति जब्त होगी, इनकी सभी गाड़ियां सीज होंगी और मेरी जनता जनार्दन में समर्पण की जाएगी। Yeah!
पीछे पीछे रहो भाई, पीछे पीछे बढ़ाओ यार, पीछे बढ़ाओ भाई, पीछे मत घुमाओ भाई, जनता जी खड़ी चाहे। सुनो भाइयों, मैं मेरे सभी भाइयों से निवेदन कर रहा हूँ, 25 तारीख को आप याद रखना, और सभी नौजवान नवयुवकों को स्थानीय क्षेत्र में रोजगार दिए जाएंगे, उनको सभी सरकारी क्षेत्रों में, प्राइवेट क्षेत्रों में रोजगार, स्थानीय क्षेत्रों में इनको प्रथम प्राथमिकता दी जाएगी, और इनके लिए कबड्डी बड़ी खेल स्पोर्ट्स की अकादमियां खोली जाएगी, इनके उज्जवल भविष्य को बनाया जाएगा, इनके लिए बड़े बड़े विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। आज जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां विदेशों में खुल रही है वो आपकी बैरोड विधानसभा में आपके गाँवों में होगी, और मेरे गाँव के युवा की युवाओं को हर जगह उनको उनकी आवाज को बुलंद किया जाएगा, उनकी ललकार विधानसभा ही नहीं देश की संसद में, देश विदेशों तक गूंजेगी। भाइयों, अब भाइयों मैं आपको कहता हूँ कि संघर्ष बहुत ज्यादा है, समय का अभाव है, इसलिए मैं आप सभी से कहता हूँ, मैं वादा कर रहा हूँ, सरकार ने पता नहीं क्या किया या नहीं किया, लेकिन मैंने सोशल मीडिया पे हेल्पलाइन छोड़ रखी है, अगर किसी प्रकार की कोई जन समस्या हो, किसी माताओं बहनों के आत्मसम्मान पे ठेस हो, उसकी शिकायत आप दर्ज करवा सकते हो। नौजवान युवाओं का कहीं अधिकार खाया जा रहा हो या मेरे किसान बुजुर्गों का कहीं शोषण हो रहा हो, आप इस हेल्पलाइन 81-04-52-93 में दर्ज करवा सकते हैं, और आप आपकी जन समस्या का तुरंत से तुरंत निस्तारण किया जाएगा, तन मन धन अर्थ चाम दाम और दंड भेद से तुरंत उसका समाधान होगा, और मेरे सभी भाइयों बैरोड विधानसभा में सभी क्षेत्रों में, सड़क के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, पानी बिजली के क्षेत्र में चौमुखी विकास करवाया जाएगा। विधानसभा, धरती माता, 36 बिरादरी, नौजवान युवाओं, माताओं बहनों, किसान बुजुर्गों के लिए हर सभी क्षेत्रों में चौमुखी विकास होगा, और उसके साथ साथ डिजिटल बैरोड बनाया जाएगा। भाइयों, जन सैलाब इस आशीर्वाद का मैं हमेशा ऋणी हूँ, चुनाव दार हूँ, मैं जब तक जिंदा हूँ, चुनाव जब तक ये जिंदा हूँ पकड़ा चुकाऊंगा, और जो जो भ्रष्टाचारियों ने आपके खिलाफ ये शोषण किया है उनको ये चैपाल में बढ़ जाओ, ढूंढ ढूंढ कर इसका साथ दिया जाएगा, और मेरे नौजवान युवाओं की चुनाव चिन्ह के लिए और खुलेंगे, अगर वो इतने नहीं खुले तो उनको पढ़वा के अलग अलग धर दिया जाएगा। नौजवान युवा, किसान बुजुर्गो, माताओं बहनों, आप अपनी ताकत का ऐलान करो, हांडी के चुनाव चिन्ह को दबाओ, और आपकी सरकार बनाओ, इन भ्रष्ट नेताओं का खात्मा करो। और भाइयों, इसी के साथ मैं आपको बताता हूँ, आप ये अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह हांडी है, हांडी नहीं भाइयों, सबसे हांडी है, बाकी सब डांडा डांडी। चुप रह ले यार, सुनियो भाई, आप देख रहे हो, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं तो आप जैसे किसान, धरती पुत्र, मजदूर का बेटा हूँ, आप देख रहे हो, इनकी सूची चेक करो, किसी पे क्राइम का मुकदमा है, किसी पे बलात्कार का मुकदमा है, कोई जमीन खा रहा है, कोई किसी पे शोषण कर रहे, करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे, इनको टिकट नहीं मिल रहे, आपका बेटा आपकी जिम्मेदारी के लिए, जन संघर्ष के लिए आपके बीच में खड़ा हुआ है,
ये जीत जनता जनार्दन की होगी, संघर्षों की जीत होगी, ऐतिहासिक जीत होगी। और मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा, जय हो बस्ती माता की। जैसा कि ये जनता जनार्दन जो जनता माता का आशीर्वाद है, ये जनसैलाब जो उमड़ रहा है, ये मुझ पे आशीर्वाद बखेर रहा है, इसका मैं हमेशा ऋणी हूँ, मैं कसदार हूँ। मैं इनके लिए हमेशा इस जनसेवक के रूप में मेरी जान झोंक झोंक के इनके लिए संघर्ष करूंगा, क्योंकि ये मेरी जनता जनार्दन नहीं, ये मेरे भैरोड़ की बैदान सभा की 36 बिरादरी के भावी विधायक हैं। इनकी आवाज को बुलंद किया जाएगा, इनके उज्जवल भविष्य को ऊंचाइयों की ओर ले जाया जाएगा। एक आपने बताया आज भाइयों बात ऐसी है, आज आईएएस राजेश जोगपाल जी, आज आईएएस राजेश जोगपाल जी अलवर में बाबू शोभाराम कॉलेज में मेरे को मेरी उपस्थिति दर्ज करवानी थी, वोटिंग मशीन चेक करनी थी, इसलिए मुझे इमरजेंसी में जाना था। तो मैं बहरोड से बाइक लेके गया था, बाइक लेके वहाँ पर गया, मेरे साथ एक मेरा कार्यकर्ता था, मैं खुद चला के लेके गया। तो वहाँ पर वहाँ से भाई मेरी उपस्थिति दर्ज करवाने के बाद में मैं वहाँ से जब वापस आ रहा था तो ततारपुर के पास, ततारपुर का गांव के स्टैंड से बहरोड की साइड में 1 किलोमीटर आगे एक मोटरसाइकिल पल्सर जिसका रंग काला और ब्लैक, जिसके नंबर RJ02 ऐसी ऐसे कुछ, वो उसमें दो गुंडे जो हम एक पीछे कड़ा हाथ में लेके और एक आगे, और मेरी मोटरसाइकिल को टक्कर मारने की कोशिश कर रहे और जानलेवा हमला करने की फिराक में थे। वे भ्रष्ट नेताओं के दल्ले थे, वे भ्रष्ट नेताओं के पिल्ले थे, लेकिन मैं कानून में विश्वास करता हूँ, मैं खुद एक अधिवक्ता हूँ, मैं कचहरी में न्याय करता हूँ, मैं हक अधिकारों की लड़ाई लड़ता हूँ, इसलिए मैं कानून में विश्वास रखता हूँ। तो इसलिए भाइयों, मैंने उसको वहाँ सजा देना समझा उचित नहीं समझा, और मैंने वहाँ से मैं बहरोड आया, सीधा SDM कार्यालय में गया, वहाँ मैंने प्रशासन को सबको बताया, बहरोड प्रशासन ने मुझे 2 गनमैन की व्यवस्था करवाई, और मैंने बहरोड प्रशासन ने 2 गनमैन की व्यवस्था करवाई, और मैंने ततारपुर SHO को इस बारे में अवगत कराया, SP साहब को, एडिशनल SP, डिप्टी IPS राजेश जोगवाल और कलेक्टर शुभम चौधरी, सभी को मैंने इस बारे में अवगत कराया, लेकिन बहरोड प्रशासन ने मुझे 2 गनमैन की व्यवस्था दी है। प्रशासन की बड़े, अब जो ऐसे कायराने हमले हो रहे उसमें कहीं ना कहीं बड़े स्तर पे किसी ना किसी बड़े प्रशासन की खामी है, ढिलाई है, जो भ्रष्ट नेताओं के गाल डोल रहे, ऐसे ईमानदार व्यक्ति की कोई रक्षा नहीं कर रहा। लेकिन मैं भाइयों आपसे वादा करता हूँ, मैं आपके सामने एक बात रखता हूँ, देखो कोण छेड़े बहरोड राज के दिलेर को, गर्दिश में तो 5 कुत्ते भी घेर लेते हैं शेर को। मैं मेरे विधानसभा चुनाव को जनता जनार्दन पे हो रहे शोषण, जनता जनार्दन पर हो रहे अत्याचार, माताओं बहनों के आत्मसम्मान को जो ठेस पहुंचा रहे, नौजवान नवयुवकों को जो उज्जवल भविष्य को अंधकार में ले जा रहे, बड़े बुजुर्गों किसानों के हक अधिकार खा रहे, उसके खिलाफ ये लड़ाई लड़ रहे। मैं एक जनसेवक के रूप में मेरी जान झोंक झोंक के लड़ाई लड़ रहा हूँ। ये आवाज़, ये विचार मेरे नहीं है, ये आम गरीब जनता 36 बिरादरी के विचार है। ये आवाज़ अब ललकार गूंजेगी और इन भ्रष्टाचारों का खात्मा होगा, और इनका आपकी पार्टी बनते तुरंत से तुरंत इलाज होगा, ढूंढ ढूंढ के इलाज होगा। मैं खुद भी इनका इलाज करना जानता हूँ, लेकिन अभी आपकी पार्टी की सरकार आने के बाद बहरोड विधानसभा को अपराध मुक्त किया जाएगा, अपराधियों की विचारधारा बदली जाएगी, हर तरीके से मेरी माताओं बहनों का सम्मान होगा, मेरे नौजवान युवाओं का उज्जवल भविष्य होगा, मेरे बड़े किसान बुजुर्गों को उनका अधिकार मिलेगा। और भाइयों आपको सभी पता है, मैं पत्रकार बंधु को जानता हूँ, मेरे देश के लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, मैं इनको हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगा, गरीबों के हक अधिकार की आवाज़ को उठाना आपका परम धर्म दायित्व है। हेमंत शर्मा, मेरे रिकॉर्ड चेक करो, मेरा सब कुछ चेक करो, खाता चेक करो,
और इन भ्रष्टाचारियों के चेक करो, इनके खाते चेक करो, किसी के रिश्तेदार के नाम जमीन है, किसी का भाई गुंडा है, किसी का बाप गुंडा है, लेकिन हम रोगी योगी के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। राम राज्य स्थापित होगा और इन भ्रष्टाचारियों का खात्मा होगा। योगी ने रोड रोलर वो बुलडोजर चलवाए, जय श्री राम। योगी ने बुलडोजर चलवाए, बुलडोजर के साथ साथ रोड रोलर को पाइपलाइन तक चलवा देंगे।